हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि लैपटॉप से आधार कार्ड डाउनलोडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरे लैपटॉप में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप में आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर टाइपिंग करना आपको UIDI, ठीक है। इस तरह से आपको टाइपिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद इंटर, इंटर करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। पहला वाला लिंक में जाएंगे, ये वाला लिंक में, ठीक है। इसमें क्लिक करना है आपको, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, अगला प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जगह मिलेगा डाउनलोडिंग आधार, देखिए ये वाला, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह का मैसेज आएगा, उसको भी ओके कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, कहीं नहीं जाना है आपको। पहला वाला ऑप्शन में डाउनलोडिंग आधार में जाना है, ठीक है। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार इन्वॉल्वमेंट नंबर, आधार नंबर और इन्वॉल्वमेंट नंबर, वर्चुअल नंबर। तो आधार नंबर से हम निकालेंगे, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पर टाइपिंग कर देना है इस तरह से, अच्छा से, सही से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। इंटर सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड, इसको अच्छा से डालना है आप लोगों को, गलत नहीं होना चाहिए। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है। जैसे वैसे ही डालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए मैं डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग वीडियो में देखते रहिए, बने रहिए तब तक। उसके बाद सेंड OTP, ठीक है। क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा इनवैलिड कैप्चा कोड, ठीक है, गलत दबाया था, ठीक है। इसको फिर से अब दबाएंगे, दूसरा कैप्चा कोड आ गया है, इसको फिर से दबाएंगे। देखिए मैं दबाता हूँ, ठीक से दबाएंगे तभी जाके होगा। एक बार मेरा गलती हो गया, ठीक है। दूसरा बार अभी दबाते हैं, देखते हैं, सही दबाना पड़ेगा। कैप्चा कोड ऐसे रहता है ना, पता ही नहीं चलता ठीक से, ठीक है। उसके बाद सेंड OTP कर देंगे, देखिए अभी चल गया है, देखिए ऊपर में मैसेज आ गया है, मोबाइल में एक मैसेज आएगा OTP, ठीक है, अपना मोबाइल में, ठीक है। उसको देख के यहाँ पर इंटर OTP डालना होगा, मोबाइल से देख लीजिएगा और नीचे देखिए OTP डालने का है, ठीक है। यहाँ पर OTP आपको लगाना पड़ेगा मोबाइल से जो गया हुआ है, ठीक है, मोबाइल में। तो इसको OTP भी डाल देते हूँ मैं जल्दी से। OTP डालने के बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वेरीफाई डाउनलोडिंग, ठीक है, इसमें क्लिक करना है आपको OTP डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, देखते रहिए। देखिए ऊपर में आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, इसका मतलब डाउनलोडिंग होना चालू हो गया। देखिए नीचे इस साइड में देखिए, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गया है, ठीक है, आधार कार्ड डाउनलोडिंग हो गया, ठीक है। अब इसको अभी ओपन करना होगा, देखिए डाउनलोडिंग हो गया PDF में। अभी इसको ओपन करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी पासपोर्ट खोज रहा है, ये वाला बहुत आदमी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको आपका नाम जो रहेगा ना शुरू में, चार अक्षर कैपिटल में आपको लिखना है, आपका साल लिखना है, ठीक है। मेरा जैसे शंकर है, SHAN कर देना है और 1987 इस तरह का कर देना है, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। उसके बाद ओपन हो जाएगा, देखिए मैं डाल दिया हूँ और देखिए आ जाएगा, ये देखिए पूरा आ गया है, खुल गया है, इस तरह से आपका देखिएगा, ठीक है। देखिए ओपन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक ओके, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।